तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए, शुक्रिया। दोस्तों, आज की न्यूज़ अमेरिका की जानिब से है। अमेरिका ने ट्रंप को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले शख्स की शनाख्त के लिए पाकिस्तानी तहकीकाती एजेंसी FIA से मदद मांग ली है। FIA के साइबर क्राइम सेल के डायरेक्टर कैप्टन रिटायर मोहम्मद शोएब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान से अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया पर धमकी आमेज पैगाम जारी करने वाले शख्स की तलाश के लिए अमेरिका ने हमसे मदद तलब की है, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो अफराद सोशल मीडिया पर तोहीन आमेज मवाद अपलोड करते हैं, इनका पता चलाना बहुत मुश्किल है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद शुएब का कहना था कि इमरान खान की हिंदू मजहब की मजहबी किरदार शेवा की तर्ज पर बनाई गई तस्वीर और डोनाल्ड ट्रंप को दी जाने वाली मुबैना धमकियां किस की जानिब से दी गई हैं, इसका पता चलाना बहुत मुश्किल है। कैप्टन मोहम्मद शुएब ने निजी अंग्रेजी अखबार से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि सफारती जराये के जरिए FIA से राबता किया गया है, ताहम इस वक्त तहकीकात का आगाज करेंगे जब सफारती जराये की जानिब से बाजाबता दरख्वास्त सामने आएगी और फिर उस शख्स का पता लगाने की कोशिश की जाएगी जिसने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी और इसी जराये को मालूमात फराहम की जाएगी। इससे कबल उन्होंने इमरान खान की तस्वीर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि ये तस्वीर 17 अकाउंट से अपलोड की गई है जिसमें से 15 अकाउंट भारतीयों के हैं जबकि सिर्फ 2 अकाउंट पाकिस्तानी हैं, जिनमें से एक तस्वीर डिलीट कर दी गई है जबकि दूसरे ने अभी लगाई हुई है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।